जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे YouTube Facebook चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, साथ ही साथ अर्धवार्षिक राशि फल बताएंगे कि अगस्त से दिसंबर तक आंशिक रूप से आपके साथ में ग्रह गोचर के अनुसार क्या क्या होने वाला है, क्या घटनाएं इन 5 महीने में विशेष रंग लाएगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको हम लोग कामयाबी के 4 टिप्स भी देने वाले हैं। सबसे पहले इस कार्यक्रम में आप जरूर जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। चलिए सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्धवार्षिक राशि फल में, यानी ये जो 5 महीने आप बचे हुए हैं, ये कैसे जाने वाले हैं मेष राशि के, वही डिप्रेशन में जाएंगे, तनाव में जाएंगे, या सबकी यूट्यूब पे राशिफल आप लोग देखते रहेंगे और होगा कुछ नहीं। इसलिए तो कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। आज इस कार्यक्रम में हम आपको 4 ऐसे टिप्स देने वाले हैं जिसको अपनाने से आपको लाभ होगा। सबसे पहले मेष राशि के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं ताकि टिप्स मानने में या जानने में आपको सहायता प्रदान होगी। जो मेष राशि है, भाग चक्र की पहली राशि है, स्वामी इनके मंगल होते हैं, मंगल अग्निकारक ग्रह होते हैं, यानी कि मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं में फूर्ति में कोई कमी नहीं होती है, मेहनती ये लोग होते हैं। साथ ही साथ मेष राशि वाले जातक और जातिका बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, पढ़ने लिखने का शौक इनको बचपन से ही होता है, किसी ना किसी बुक को, नॉवल को ये फॉलो करते हैं और पढ़ते लिखते रहते हैं। साथ ही साथ मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं, सबसे बड़ी इनकी गजब बात ये है, चाहे जातक हो चाहे जातिका हो, भाषा में कमांड इनकी बहुत अच्छी होती है, इंग्लिश, हिंदी और अपनी ग्रामीण लोकल लैंग्वेज भी ये बोल लेते हैं। मेष राशि वाले अधिकतर अधिक भाषाएं बोलते हैं, साहित्य भाषा में इनकी जबरदस्त कमांड होती है। साथ ही साथ देखा जाए टेक्निकल क्षेत्र में ये मास्टर होते हैं, चाहे मोबाइल हो, एडिटिंग हो, ग्राफिक हो, यानी टेक्निकल कोई भी चीज़ है उसमें इनसे बड़ा मास्टर आज तक पैदा नहीं हुआ है, यानी कि इनको अपना टेक्निकल या वैज्ञानिक चीज़ों में हाथ आजमाना चाहिए, यानी कि जीवन के अंदर टेक्नोलॉजी वाले काम यदि मेष राशि वाले करते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। साथ ही साथ देखा जाए व्यक्ति को पहचानने की गजब की कला होती है, व्यक्ति के बात करने से, 5 मिनट उनके सामने खड़े होने से ये व्यक्ति का भूत, भविष्य, वर्तमान पता कर लेते हैं। इसलिए ये तो मेष राशि वाले ज़्यादातर मार्केटिंग क्षेत्र में कामयाब होते हैं, वकील यही होते हैं, डॉक्टर यही होते हैं, पुलिस के अंदर यही होते हैं, थलसेना के अंदर यही होते हैं, गुप्तचर विभाग में यही होते हैं, पॉलिटिशियन भी यही बड़े होते हैं, क्योंकि ये समय को और व्यक्ति को भाप लेते हैं। उसके बावजूद भी कुछ मेष राशि वाले जातक और जातिकाएं कामयाब नहीं होते, तो उनको थोड़ी सी हम कामयाबी की टिप्स पहले दे देते हैं। तो सबसे पहला टिप्स, जो भी मेष राशि के जातक और जातिकाएं हैं, उनको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए या उनकी बात सुननी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। नेगेटिव थिंकर को हमेशा अपने जीवन से दूर कर दें, नहीं तो वो आपके प्रोग्रेस में बाधा उत्पन्न करेगा, यानी कि जो भी नकारात्मक बातें करता है, दूसरों की कमियां निकालता है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन से मेष राशि वालों को निकाल देना चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आप पे पड़ने वाला है, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो दूसरा टिप्स ये देना चाहूँगा, उनके लिए देना चाहूँगा जो मेष राशि वाले मैच्योर हैं, यानी जो 30 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके हैं, उनको अपने पार्टनर और जीवन साथी से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। यदि आप अपने पार्टनर और जीवन साथी से ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं तो वो भी आपको दुख देने के समान होगा, यानी कि आपको दुख ही प्राप्त होगा, इसलिए ज़्यादा अपेक्षा मत रखें। मान ले जो भी करना है आपको खुद ही करना है, आपका पार्टनर ज़्यादा सपोर्ट करने वाला नहीं है, ये अगर आप मान लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ मेष राशि वालों के लिए
तीसरी टिप्स है जल्दीबाजी में कोई काम ना करें। कोई भी निर्णय मेष राशि वालों को जल्दीबाजी में नहीं करनी है, एट अ टाइम नहीं करना है। सोच ले, टाइम लगा ले 2-3 दिन का, उसके बाद निर्णय लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो जिंदगी में एक चीज़ फॉलो कर ले कि जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। दुनिया लेती लेते रहे लेकिन आप ना ले, याद रखिएगा। चौथी सबसे बड़ी टिप्स, कान के कच्चे ना बने, यानी कान के कच्चे होने से बचे। यानी कि कोई व्यक्ति आकर आपके बारे में ये बोल सकता है कि भाई उस व्यक्ति ने तो आपकी बुराई की है, बॉस आपके बारे में ये कह रहा है, वो व्यक्ति आपके बारे में ये कह रहा है। जब तक आप उसको पुष्ट ना कर ले, स्पष्ट ना कर ले, तब तक उनकी बातों में बिल्कुल ना आए। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके रिलेशन को भड़काने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आपको क्या करना है कि जब तक ये बात पुष्टि ना हो जाए, तुरंत पुष्टि करें इस बात की, पुष्टि होने से पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, कान से कच्चे होने से बचना है। पांचवी बात के बारे में बात करें तो पांचवा है, हमेशा मेष राशि को पहले एक काम करना है उसके बाद दूसरा काम करना है। अक्सर मेष राशि वाले क्या कहते हैं, ये काम आगे आ गया, वो काम आगे आ गया। वर्क प्रेशर में ये घिरे हुए होते हैं, साथ ही साथ इनकी पारिवारिक टेंशन भी अलग चल रही होती है, जिससे इनका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। सीनियर भी बहुत समझाते हैं लेकिन क्या करें, आपके ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, पारिवारिक टेंशन ज़्यादा है, जिस वजह से आप काम में गलतियाँ ज़्यादा कर रही है। तो अंततः गतवा मैनेजमेंट को आपको निकालना पड़ता है या फिर सीनियर को आपको उस जगह से हटाना पड़ता है, जिससे आपकी डिमोशन आ जाती है। इसलिए याद रखिएगा, वर्क उतना ही करें जितना आप प्रेशर ले सकें, याद रखिएगा। चलिए आप बात करते हैं मेष राशि के अगस्त से दिसंबर में ग्रह गोचर आधारित अर्धराशि फल के बारे में, कि अगस्त से दिसंबर में क्या क्या मेष राशि के जीवन में होने वाला है। पहला, अगस्त के महीने में देखा जाए तो भाई मेष राशि वाले ध्यान से सुने, काम या नौकरी में अचानक आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी और काफ़ी बदलाव आने वाला है, काम में बदलाव आ जाएगा, बड़े ऑर्डर आपको मिल सकते हैं, अच्छा धन लाभ भी मिल सकता है। लेकिन मंगल पे शनि का सम सप्तक योग है, यानी मंगल पे शनि की दृष्टि है, इसलिए भाई बंधु और पार्टनरों से अगस्त के महीने में या प्रेमी प्रेमिकाओं के आपस में वाद विवाद ज़्यादा रहेंगे। अपनों से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं, अपनों से आपको तनाव मनमुटाव हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी है। 18 अगस्त के बाद देखा जाए तो मंगल आपके छठे भाव में चले जाएंगे, वो काम और नौकरी के लिए और अच्छी स्थिति है, खूब धन की बरसात होगी, धन में वृद्धि होगी। तो कुल मिला के अगस्त का महीना 18 अगस्त तक नॉर्मल है और 18 अगस्त के बाद करियर के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशन को आपको देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर में देखा जाए गुरु और राहु की युति, मंगल जो गुरु और राहु की युति है उस पर मंगल की दृष्टि होने से मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही साथ धन में सितंबर में वृद्धि होगी। अचानक रुका हुआ धन मिल जाएगा, कोई व्यक्ति आएगा और आपको बड़ी धन संबंधी लाभ या काम संबंधी लाभ करवा सकता है। साथ ही साथ किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग से, यानी कोई व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, उसके सहयोग से आपको धन और काम का लाभ होगा, आपका रुका हुआ काम भी वो पूरा करा के जाएगा। यानी सितंबर का महीना मेष राशि को बड़े अचंभे में डालने वाला है। अक्टूबर के महीने में अगर बात करें तो अपनी राशि यानी स्वग्रही जो मंगल है वो देखा जाए बहुत अच्छा है। यानी मंगल की दो राशियाँ होती है, मेष राशि और वृश्चिक राशि, और स्वग्रही मंगल जब होते हैं तो काम में मेष राशि को अक्टूबर में बड़ा लाभ होगा या धन में बड़ा लाभ होगा। और परिवार में जो अनबन चल रही है, जो अपनों से प्रेमी प्रेमिकाओं में भाई बंधुओं से जो तनाव चल रहा है, वो भी आप यहां से शांत होने लगेगा। लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं या विदेश से कोई खुशखबरी आपको अक्टूबर के महीने में प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं नवंबर में। तो नवंबर का जो महीना है 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, धनहानि भी हो सकती है, आपका मोबाइल या कोई वस्तु चोरी भी हो सकती है, घरेलू क्लेश आपका बढ़ सकता है, पार्टनर के साथ में पति पत्नी के साथ में वाद विवाद आपके बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ देखा जाए हर काम में आप 15 नवंबर तक विघ्न ही रहेगा, यानी 15 नवंबर तक की स्थिति खराब है। 16 नवंबर से देखा जाए तो मंगल अष्टमेश हो जाएंगे, यानी कि काम में परिवर्तन होगा। एक तो आपके करियर में आपका कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है, या तो काम में परिवर्तन होगा या स्थान में परिवर्तन होगा,
और थोड़ा थोड़ा यहाँ से काम बनना आपका 15 नवंबर के बाद से 30 नवंबर के बीच में बनना शुरू होंगे। यहाँ से आपकी मेहनत थोड़ी थोड़ी करके रंग लाने लगेगी। अब दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में गुरु मेष राशि में होने से खूब धन का लाभ होगा, पद प्रमोशन का आपको लाभ होगा, या फिर नई नौकरी के आपको ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारी जो लोग हैं उनको भी धन में काफ़ी अच्छी वृद्धि, नए ऑर्डर के योग बनते हैं। जाने माने व्यक्तियों से आपको कोई अवार्ड, कोई सम्मान मिल सकता है, किसी सामाजिक संस्था से आपको सम्मान मिल सकता है। और दिसंबर के महीने में आप खूब दान धर्म पूजा पाठ करने वाले हैं, तीर्थ दर्शन तीर्थाटन, तीर्थाटन का मतलब तीर्थ यात्रा में जाने के आपके योग बनते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो दिसंबर का महीना यानी इस साल का एंड का महीना आपका अच्छा है। ये जो मित्रों हमने 5 महीने की अर्ध वार्षिक राशिफल के बारे में बात की, ये आपको सूक्ष्म सूक्ष्म तरीके से हमने बता दिया ताकि आप अपना प्लानिंग कर सके। और डिटेल में तो हम मंथली राशिफल डालते ही हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जय माता दी। मैं लंदन से हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है और वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा था। एक दिन मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में उनका मतलब मेरी उनसे बात हुई और मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर गई, तो उन्होंने उसके मतलब मेरे बेटे के लिए काफ़ी उपाय वगैरह बताए और जब से मैं वो उपाय कर रही हूँ मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है। और मैंने वो स्टोन भी पहन रखा जो गुरुजी ने दिया है और आज मेरा बेटा और मेरी फैमिली बहुत ठीक है।